हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पंचकुला से खबर, जहां कंप्यूटर टीचर्स का प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है और कंप्यूटर टीचर्स की तरफ से कहा गया, दरअसल डीसी कार्यालय की तरफ कंप्यूटर टीचर्स आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा विभाग में समायोजन की मांग कर रहे हैं टीचर्स, और जो शिक्षा विभाग के अंदर समायोजन की मांग है वो कंप्यूटर टीचर्स की तरफ से रखी जा रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी के जरिए दिखा रहे हैं, डीसी कार्यालय की तरफ कंप्यूटर टीचर्स आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा विभाग में समायोजन की मांग कर रहे हैं। ये मांग जो शिक्षा विभाग के समायोजन को लेकर जो रखी जा रही है कंप्यूटर टीचर्स की तरफ से, और इसी को लेकर अब आगे ये प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल डीसी कार्यालय की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं और पंचकुला से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कंप्यूटर टीचर्स प्रदर्शन अपना शुरू कर चुके हैं, जिसमें डीसी कार्यालय की तरफ अब कंप्यूटर टीचर्स आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश यही है कि जो समायोजन की शिक्षा विभाग के अंदर अब जो मांग कंप्यूटर टीचर्स कर रहे हैं, जो ये लोग कर रहे हैं, जो टीचर्स आप देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इन मांग को पूरा किया जा सके। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता उमंग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमंग, क्या अभी तक जानकारी है और आगे कूच किया जा चुका है कंप्यूटर टीचर्स की तरफ से? देखिए, अभी ये मार्च इन्होंने शुरू करना है, लेकिन पूरे प्रदेश से कंप्यूटर शिक्षक पहुंच चुके हैं। कई महिलाएं यहाँ पर जो परिवार की हैं इन कंप्यूटर शिक्षक प्रदर्शनकारियों की, वो यहाँ पहुंची हैं, बच्चे हैं यहाँ पर, और भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है यहाँ धरना स्थल पर भी, और बैरिगेट जो है वो लगाए गए हैं, हैवी बैरिगेटिंग की गई है पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर, ताकि इन्हें चंडीगढ़ में जाने से रोका जा सके अगर ये मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो। आपको बता दूं कि आज सैकड़ों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए हैं और इनकी यही मांग है कि आने वाले 16 अक्टूबर को जो इनका अनुबंध खत्म हो रहा है वो खत्म ना हो और उससे पहले ही सरकार इन्हें शिक्षा विभाग में समायोजित कर दे। उमंग, लेकिन डीसी कार्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या कंप्यूटर टीचर्स? जी नहीं, अभी इस तरह का कुछ नहीं है, अभी धरना ग्राउंड पर ही तमाम प्रदर्शनकारी इकट्ठे होने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया उमंग इस पर जानकारी देने के लिए, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी ये है कि अभी आगे की तरफ कुछ नहीं किया जा रहा है, डीसी कार्यालय की तरफ कंप्यूटर टीचर्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मांग जरूर उनकी तरफ से रखी जा रही है। कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन प्रधान बलराम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलराम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या मांगे हैं आप सभी टीचर्स की तरफ से, क्या अनुबंध को लेकर जो जो डेडलाइन अभी तक दी गई है, जो समय अब बेहद नजदीक आ रहा है, शिक्षा विभाग के अंदर समायोजन के जरिए क्या सब कुछ व्यवस्थित हो सकता है? सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर बोलिए। बलराम जी, क्या आपको लगता है कि शिक्षा विभाग में समायोजन से सभी चीजें व्यवस्थित हो सकती हैं? क्या मांगे हैं आपकी? जी सर, शिक्षा विभाग में 3216 असिस्टेंट टीचर की वेकेंट पोस्टें हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टें हैं। हम लोगों की सरकार से मांग है कि हम लोगों को उन पोस्टों के ऊपर समायोजित किया जाए, और ये मांग हमारी आज की नहीं है, ये 2014 में हम लोगों की मांग थी कि हम लोगों को शिक्षा विभाग के अंदर पोस्टों के ऊपर समायोजित किया जाए। उस वक्त भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने हम लोगों से वायदा भी किया था और जंतर मंतर धरना स्थल पे अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनखड़, रामविलास शर्मा, ये हमारे धरना पे आए थे। इन्होंने वायदा किया था कि आपको सरकार बनते ही पहली कलम से शिक्षा विभाग के अंदर समायोजित किया जाएगा, लेकिन आज तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई। हम इन मांगों के ऊपर, हम शिक्षा विभाग में जो समायोजन की मांग है इसके ऊपर मर्ज होने का दावा हम इसलिए अपना जो है वो ठोक रहे हैं क्योंकि ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट की है और हम लोग 6 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी से रिप्लेस नहीं कर सकते। आप अगर करना चाहो तो आप रेगुलर भर्ती कर सकते हो। तो सरकार की एक नीति क्या है कि 2-3 साल के लिए किसी भी टीचर को कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया, उनको हटा दिया, फिर अगली बार 2-3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया, फिर हटा दिया, फिर 2-3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया, फिर हटा दिया, ऐसे ऐसे करके ये 2003 से ये मामला चलता आ रहा था। तो हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई है
कि जब माननीय हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी के साथ आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी नहीं लेके आ सकते, तो आप बार बार कॉन्ट्रैक्ट को खत्म क्यों कर रहे हो? अगर आप करना चाहते हो तो आप रेगुलर भर्ती कीजिए। तो ये हमारी सरकार से मांग चली आ रही है। तो इस अभी तक क्या कोई आश्वासन इस पर मिला है बलराम जी आपको प्रशासन की तरफ से? 3 सितंबर 2019 को अभी मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी से हमारी जो है वो मीटिंग हुई थी और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आचार संहिता से पहले आपको शिक्षा विभाग में जो समायोजन की मांग है उसको पूरा किया जाएगा। और इससे पहले 24 जुलाई 2019 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। 20 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई थी, तब आश्वासन दिया गया था। और उससे पहले 5 मई 2018 को मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के समय पे हमारी उनसे मीटिंग हुई थी, तब भी हमारे को आश्वासन दिया गया था। और सरकार बनने से पहले 2014 में कैबिनेट मंत्रियों ने आश्वासन दिया था। मात्र आश्वासन ही चल रहा है, अब तक हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पाई। सिर्फ एक मात्र मांग है कि शिक्षा विभाग के अंदर जो पोस्टें असिस्टेंट टीचर की कॉन्ट्रैक्ट की हैं उनके ऊपर हम लोगों को समायोजित किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बलराम जी आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और जो मांगे हैं कंप्यूटर टीचर्स की उन सभी मांगों को हमारे सभी दर्शकों तक भी पहुंचाया। लेकिन क्या इन मांगों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ जानकारी ये भी है कि डीसी कार्यालय की तरफ अभी कंप्यूटर टीचर्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर बाद ये कदम उठाया जा सकता है जब आगे की तरफ कूच करेंगे कंप्यूटर टीचर्स